नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में कुछ विशेष दिनों पर मांस विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रहेगा, जिसके निर्देश निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अधिकारियों को दिए हैं एवं मोबाइल टीम को इसकी मॉनिटरिंग करने को कहा है। यदि इन दिनों में कोई मांस विक्रय करता पाया जाता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश निगम आयुक्त ने दिए हैं। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में पर्यूषण पर्व दिनांक 30 दिसंबर दिन शुक्रवार, गांधी जयंती 2 अक्टूबर दिन रविवार, पर्यूषण पर्व में संवत सबरी व उत्तम क्षमा दिनांक 11 अक्टूबर दिन मंगलवार तथा महावीर निर्वाण दिवस दिनांक 24 अक्टूबर दिन सोमवार को समस्त मांस विक्रय केंद्र एवं पशु वध गृह एवं जीव हत्या बंद रखे जाएंगे। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने निर्देश जारी करते हुए सख्ती से इसका पालन कराने अधिकारियों को कहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण एवं नगरीय निकाय विभाग के परिपत्र दिनांक 23 अगस्त 2006 एवं 13 सितंबर 2007 के अनुसार नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र सीमा अंतर्गत संचालित पशु वध इन त्योहारों के दिवस में बंद रखे जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा ने इसका आदेश प्रसारित कर दिया है। देखिए, 4 दिवसों में जो है मांस विक्रय प्रतिबंधित रहेगा और नगर पालिका भिलाई क्षेत्र में ऐसे त्योहारों के दिवस पर जो है, जैसे पर्यावरण पर्यूषण दिवस है, पर्यूषण दिवस के अलावा गांधी जयंती है, ऐसे अवसरों पर जो है मांस विक्रय नगर निगम भिलाई में उनके पूरे जो क्षेत्र हैं भिलाई के उसमें बंद रखे जाएंगे। सर, अगर कोई पाया जाता है ऐसा करते हुए, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। हमारी टीम जो है घूमते रहेगी और निर्देश कमिश्नर साहब ने दिए हैं कि जो इन दिवस है उसमें खासकर जो है वो टीम भ्रमण करके देखें कि ऐसा कोई मांस विक्रय कर तो नहीं रहा है, जीव हत्या तो नहीं कर रहा है।